वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेंचुरी मीटर पढ़ा था, अब हम इस लेक्चर में ओरिफिस मीटर को पढ़ेंगे। ओरिफिस मीटर क्या होता है? देखिए, ओरिफिस का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल होल या जहाँ पर भी छोटा सा छेदा हो वहाँ पे उसे हम कहते हैं ओरिफिस। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट में ये स्मॉल सा होल है, इस होल को ही कहते हैं ओरिफिस। ओके, अब इस होल को अगर अपन फ्रंट व्यू में देखें तो ये जो एरिया है होल का, इसका डायमीटर कितना होगा? सपोज डी नॉट है, मान लेते हैं कि डी ओ है, ओरिफिस ओ है होता है, इसलिए इसको डी ओ मान लेते हैं। तो ओरिफिस या फिर थ्रोट डायमीटर जो है वो कितना होता है? ये डी ओ होता है। इस डायग्राम से आप समझ गए। ठीक है, ओरिफिस का उपयोग कहाँ पे होता है? इट इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये वेंचुरी मीटर के सेम प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। ओके, तो फॉर्मूला भी इसका जो होता है वो सेम वेंचुरी मीटर के जैसा ही होता है। देखते हैं, देखिए, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल है प्लस सी डी इंटू, अगर इसका वैल्यू को देखें तो ए वन वहां ए टू था, यहाँ पे ए टू की जगह में क्या आ गया? ए नॉट आ गया है, क्योंकि वेंचुरी मीटर में ए टू यूज करते थे, ओरिफिस मीटर में टू की जगह में आपको नॉट बस लिखना है, यहाँ पे जीरो बस लिखना है। तो इससे ये फॉर्मूला ओरिफिस मीटर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है, ए टू की जगह में बस हमने ए नॉट लिखा हुआ। ये ए नॉट क्या है? वहां पे थ्रोट डायमीटर सेक्शन टू पे माने थे, यहाँ पे थ्रोट डायमीटर ये है, इसीलिए इसको ए नॉट से हम लोग शो कर रहे हैं। अब इसका वेंचुरी मीटर के जैसा प्रिंसिपल कैसे है तो देखिए समझते हैं। मान लीजिए सेक्शन वन ये है पाइप का और यहाँ पे हमने ओरिफिस लगा दिया, यहाँ स्मॉल होल है, तो स्मॉल होल से पानी का जो पासिंग होगा वो इस पैटर्न में होगा। ठीक है, और ये जो पैटर्न है ये सेम वेंचुरी मीटर का पैटर्न है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। ओके, ग्रेजुअली कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ग्रेजुअली कन्वर्जिंग एंड ग्रेजुअली डाइवर्जिंग, फ्लो पैटर्न जो है वो सेम सेम वेंचुरी मीटर के जैसा ही है। तो सारी चीजें सेम वेंचुरी मीटर का प्रिंसिपल इसमें लिखना है, सब चीजें सेम है, बस ए टू की जगह ए नॉट आ गया है और स्मॉल ओपनिंग जो है इसी को हम लोग ओरिफिस कहते हैं और यही जो डायमीटर होता है इसको ओरिफिस डाया या फिर थ्रोट डाया कहते हैं। या डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए सबसे चीपेस्ट इंस्ट्रूमेंट है और ये एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट होता है। ठीक है, एक वृत्ताकार फ्लैट प्लेट होता है जिसमें एक सर्कुलर स्मॉल होल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिफिस। ओके, सिंपल सा है, ए टू की जगह बस आपको ए नॉट लिखना है। तो वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो ओरिफिस मीटर का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे उसके न्यूमेरिकल्स बनाए थे वैसे ही इसके बनाने हैं, पर फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवा के यहाँ बताता हूँ। देखिए, एन ओरिफिस मीटर विथ ओरिफिस डायमीटर 15 सेंटीमीटर, एक ओरिफिस है जिसका ओरिफिस डाया 15 सेंटीमीटर है, जिसको लगाया गया है एक पाइप में, इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर। पाइप का डायमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं। देखिए, डाया ऑफ ओरिफिस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लीजिए तो 0.15 मीटर हो गया। यहाँ से एरिया निकाल लीजिए पाई बाई फोर, डी नॉट का स्क्वायर किया हमने तो एरिया मिल गया 0.0177 मीटर स्क्वायर। सेकेंड डायमीटर ऑफ पाइप अगर आप देखते हैं तो 30 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 0.3 मीटर होगा। तो एरिया वन यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू 0.3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया 0.071 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्स इजिकल टू कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना था हमें, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ मैनोमीटर गिव्स रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस जो मिल रहा है मैनोमीटर का वो एक्स कितना मिल रहा है? 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी मिल रहा है। 50 सेंटीमीटर को आप बदल लीजिए मीटर में तो ये हो गया 0.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल। ठीक है, यहाँ पे क्या बह रहा है? ऑयल बह रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 0.9। पानी नहीं है यहाँ पे, ऑयल है। ओके, और यहाँ मैनोमीटर है, मरकरी, ये दो लिक्विड है यहाँ पे, जबकि कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज कितना ओरिफिस के लिए? 0.64 है। तो देखते हैं, एक्स का वैल्यू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये हो गया 0.5 मीटर, सी डी का वैल्यू है 0.64 दिया हुआ। तो देखिए, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 0.9, और मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। तो इसमें हेवियर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड वाला लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि पाइप में ऑयल बह रहा है। ओके, तो डिफरेंशियल हाइट निकालना होगा एच, तो एक्स एस एच बाई एस नॉट माइनस वन करना पड़ेगा आपको। एस एच जो मरकरी का है 13.6, पाइप में जो बह रहा है वो है 0.9 ऑयल का, माइनस वन किए एक्स का वैल्यू 0.5 लिखे तो एच का वैल्यू मिल गया आपको 7.05 मीटर।
ओके। अब एच का वैल्यू जो मिल गया, तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए वैल्यूज को। सी डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.64 रख दीजिए, ए नॉट ए वन हमने निकाला है रख दीजिए 2, इंटू जी का वैल्यू 9.1 रख दीजिए, एच का वैल्यू 7.05 रख दीजिए, फिर ए वन ए नॉट। यहाँ फार्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला जो है वो है ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर लिखा हुआ, ये गड़बड़ लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ आपको ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर करना है। तो ए वन का स्क्वायर कितना है, 0.071 है, तो 0.071 ये हुआ, और यह 0.0177। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, वैसे बाई चांस वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस हट जाता है, चल जाता है वैल्यू, पर फिर भी आपको ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर करना है। ओके, तो क्यू का वैल्यू आपको मिलेगा 0.1374 मीटर क्यूबिक पर सेकंड। इस हिसाब से क्यू का वैल्यू लीटर के टर्म्स में देखें तो 1000 का इंटू करना पड़ेगा 1000 का, तो आपको मिलेगा 137.4 लीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, ये था ओरिफिस मीटर का स्मॉल डिस्क्रिप्शन और एक न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब क्या होता है देखते हैं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इस डिवाइस का काम भी डिस्चार्ज निकालना है, फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट इन अ पाइप और इन अ चैनल। किसी भी चैनल में, किसी भी रास्ते में, या किसी भी पाइप में, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डिस्चार्ज निकालना है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब बेंट एट राइट एंगल। मतलब ये देखिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में बेंड होता है एक ग्लास ट्यूब। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, तो ये है पिटोट ट्यूब आपका। ठीक है, एक सिंपल सा डिवाइस होता है जिसको पाइप में लगा देते हैं जहाँ फ्लो हो रहा है, या किसी भी चैनल में जहाँ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ इसको मानते हैं सेक्शन टू, और पाइप का एरिया को मानते हैं सेक्शन वन। ओके, ठीक है, पाइप का एरिया तक को कैपिटल एच में शो कर रहे हैं, पाइप के बाद जहाँ तक भी पानी ऊपर चढ़ा हुआ है इस ट्यूब में उसको स्मॉल एच डिनोट कर रहे हैं। देखते हैं आगे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य कर रहा है देख रहे हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट बिकम्स जीरो, अगर फ्लो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे आके जीरो हो रहा है, जैसे इस पॉइंट पे आके फ्लो वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, द प्रेशर एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य कर रहा है, तो देखिए पाइप में फ्लो हो रहा है, हमने ट्यूब लगाया, तो ट्यूब का जो ओपनिंग है यहां पर आके वेलोसिटी क्या हो जा रही है, यहां पे आके वेलोसिटी जीरो हो जा रही है या बहुत कम हो जा रही है। तो वेलोसिटी जब जीरो होगी या कम हो जाएगी, तो उसका मतलब है प्रेशर एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी इनटू प्रेशर एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी जो कम हुई है, जीरो हुई है, यही कन्वर्ट होगा ये किसमें, प्रेशर एनर्जी। ओके, तो थियोरेटिकल वेलोसिटी जो होता है वो होता है अंडर रूट 2gh होता है। वी थियोरेटिकल जो होता है वो अंडर रूट 2gh होता है, और एक्चुअल वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो ये होता है cv इनटू अंडर रूट 2gh। cv क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, क्योंकि वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल वेलोसिटी में आपको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालते हैं, तो एक्चुअल डिस्चार्ज में हमको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लगाना पड़ता है, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो cv इनटू अंडर रूट 2gh को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ से cv कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हम लोग v एक्चुअल बाई v थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को क्या लिखा था, थ्योरेटिकल एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज लिखा था, सेम ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को आप एक्चुअल वेलोसिटी बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें और नजर रखने लायक चीजें हैं, जैसे कि डायनामिक हेड क्या होता है, तो समझते हैं। देखिए डायनामिक हेड जो है वो स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हुआ मेन फॉर्मूला कि डायनामिक हेड क्या है, वो स्टैग्नेशन हेड में जब स्टैटिक हेड को हम लोग माइनस करते हैं तब हमें डायनामिक हेड मिलता है। डायनामिक हेड का वैल्यू क्या है, डायनामिक हेड जो है उसको एच से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है वी वन स्क्वायर बाई टू जी। स्टैटिक हेड क्या है, स्टैटिक हेड जो है वो प्रेशर हेड है, तो पी वन बाई डब्ल्यू फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होता है। स्टैग्नेशन हेड क्या है, सेकेंड सेक्शन पे यहाँ पर जहाँ पे हमने ट्यूब को रखा है उस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको हम लोग कहते हैं स्टैग्नेशन हेड। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो हुआ आपका स्टैटिक हेड, इस पॉइंट का प्रेशर जो हुआ वो हो गया आपका स्टैग्नेशन हेड। ठीक है, और डायनामिक हेड क्या है, स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड करने से डायनामिक हेड मिलता है। डायनामिक हेड का वैल्यू v1 स्क्वायर बाई 2g,
स्टैटिक हेड का वैल्यू P1 बाई W, स्टैग्नेशन हेड का वैल्यू P2 बाई W। देखते हैं न्यूमेरिकल। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ एन ऑयल थ्रू अ पाइप। एक पाइप में ऑयल बह रही है जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। व्हेन द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन द डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू द टू टैपिंग्स ऑफ द पिटोट ट्यूब इज 100 mm का आपका मर्करी लेवल है डिफरेंस, ठीक है। टेक कोफिशियंट ऑफ पिटोट ट्यूब 0.98, ठीक है। इट मीन्स ये कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी बता रहा है 0.98 है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है ऑयल का 0.8 दिया हुआ है। वाटर होने से तो नहीं दिया हुआ होता है, और वाटर का हम लोग 1 लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, देखते हैं। तो एक्स इजिकल टू 100 mm हमको दे दिया, इसको मीटर में बदल लिया हमने, तो 0.1 मीटर हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हो गया 0.8। अब देखिए यहाँ पर मरकरी है दूसरा लिक्विड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना है 13.6, और ये जो है वो ऑयल के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, SH लिख सकते हैं। और CV दिया हुआ 0.98, तो सिंपल सा H का फॉर्मूला लगा दीजिए। H इजिकल टू X, 0.1 रख दिया X की जगह में, और SH की जगह में 13.6, SO की जगह में 0.8 माइनस 1 किया हमने, तो हमें H का वैल्यू मिल गया 1.6 मीटर। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए पिटोट ट्यूब जो पता लगाते हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मूला है V इजिकल टू CV अंडर रूट 2GS। CV का वैल्यू 0.98 दिया हुआ है, 2 का जी का 2 को 2 लिख दिया हमने, जी का वैल्यू 9.81 ले लिया, एच निकालना पड़ता है यहाँ पर, जिसका वैल्यू हमने ले लिया 1.6, तो वी का वैल्यू आ गया 5.49 मीटर पर सेकंड। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है, प्रॉब्लम जाता है कौन सा लिक्विड बह रहा है पाइप में। तो जो भी लिक्विड बह रहा है पाइप में, जैसे कि यहाँ बता दिया ऑयल बह रहा है पाइप में, तो ये SO हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा लिक्विड और क्या हुआ ये ढूंढना है आपको। तो जैसे यहाँ मरकरी दिया हुआ था कि मैनोमीटर जो है यहाँ पे मरकरी लेवल है, पारे का लेवल है, तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, और ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हो गया वो ऑयल से ज्यादा हो गया, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। अगर ये कम हो जाता तो हमको 1-SL/SO का फॉर्मूला लगाना पड़ता। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप। एक पिटोट ट्यूब को हम लोग यूज कर रहे हैं वेलोसिटी निकालने के लिए किसी पाइप में। स्टैग्नेशन प्रेशर हेड दिया हुआ है 6 मीटर, स्टैटिक प्रेशर हेड दिया हुआ है 5 मीटर। कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो अज्यूमिंग दैट द कोफिशिएंट ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू 0.98, मतलब सीवी का वैल्यू दिया हुआ है 0.98। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टैग्नेशन प्रेशर हेड दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, ले लिया हमने। स्टैटिक प्रेशर हेड दिया हुआ है 5 मीटर, तो ले लिया हमने, ठीक है। तो डायनेमिक जो हेड होता है जिसका वैल्यू होता है H, डायनेमिक प्रेशर हेड जिसका वैल्यू होता है H, ये क्या होता है स्टैग्नेशन माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड होता है ना, ये फार्मूला हमने पढ़ा। ये देखिए ये फार्मूला पढ़ा, डायनेमिक हेड इक्वल टू स्टैटिक हेड माइनस स्टैटिक स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड। तो वैल्यू रखा हमने, स्टैग्नेशन हेड हमें 6 दिया हुआ है, स्टैटिक हेड 5 दिया हुआ है, तो 6-5 इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां से H का वैल्यू हम रख सकते हैं 1, और CV का वैल्यू दिया हुआ है 0.98, तो उस हिसाब से वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 4.34 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं पिटोट ट्यूब के, एच निकालना ही बस एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्लो नोजल, नोजल या जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवाह नोजल, ठीक है। देखते हैं, नोजल एक कन्वर्जेंट शेप का डिवाइस होता है, ठीक है, जो फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो ये देखिए एक पाइप है, पाइप में फ्लो हो रहा है पानी का, ठीक है। यहाँ एक ओरिफिस मीटर, ओरिफिस प्लेट लगा दिए हैं, ठीक है, इस प्लेट में स्मॉल ओपनिंग है, प्लस यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोग, फ्लो नोजल लगा दिए। पाइप के सामने में आपने देखा होगा गार्डन में टोटी लगा के कुछ लोग पानी देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नोजल, ठीक है। नोजल का मतलब है कन्वर्जेंट शेप, जहाँ पे एरिया कम हो रहा है, तो इसे कहते हैं फ्लो नोजल, जिसको हम ओरिफिस प्लेट में लगाते हैं। तो नोजल क्या है, एक कन्वर्जेंट शेप का डिवाइस है, जो क्या कर रहा है, फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी को बढ़ा देता है। एरिया कम होने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है, और ओरिफिस प्लेट के ओरिफिस पे नोजल को हम लोग फिक्स करते हैं, फिक्स जब करते हैं तो उसे कहते हैं फ्लो नोजल, है ना। अगर ओरिफिस प्लेट में अगर इसको फिक्स करेंगे तभी इसको कहते हैं फ्लो नोजल, अदरवाइज ये सिंपली नोजल कहलाता है। एरिया रिड्यूस होने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो फ्लो नोजल का कार्य है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 में हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी जो हमने पढ़ लिया है। अब हमारा एक यूनिट और बचता है, लास्ट यूनिट, जो हम नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लर्निंग एंड वॉचिंग।